हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ। इंसान या हम हमेशा महसूस करते हैं कि हम परेशानियों से घिरे हुए हैं या हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और कभी कभी उसका हल हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, बुद्धि उन परिस्थितियों में नहीं या उन अर्थों में नहीं जिसको आम भाषा में लोग जानते हैं, जब भी बुद्धि मन से प्रभावित होती है या मन के कंट्रोल में होती है तो उसको बुद्धि नहीं बोल रही, उसकी चेतना नहीं बोलेंगे, क्योंकि चेतना स्वतंत्र होती है, किसी के कंट्रोल में नहीं होती। क्यों? क्योंकि मन से अगर बुद्धि कंट्रोल होगी तो हमारे दुखों का कारण यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हमारा मन जो है चंचल होता है, तरह तरह की चीज़ें सोचता है, और उसको पाने के लिए हम प्रयास करते हैं और अपना विवेक उसमें लगाते हैं, लेकिन वो मन से कंट्रोल होता है। जो बुद्धि रियल में, जिसको बुद्धि माना जाता है या चेतना, जब हमारे मन से अलग होती है, जो सही में विचार करती है कि गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन ये भी अगर देखें गलत या सही का चुनाव बुद्धि करती है, लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो हमेशा है, जो आपकी चेतना है, वो हमेशा सही का ही चुनाव करती है। क्योंकि हम अज्ञानतावश हम ये मानते हैं कि बुद्धि जो है सही और गलत में चुनाव करती है। ये सही और गलत का चुनाव हम मन से जब कंट्रोल होती है बुद्धि, तब हम उसको मानते हैं ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमारे लिए जो गलत होता है हम उसको गलत मानते हैं, और हमारे लिए सही है वो सही मानते हैं, क्योंकि हम मन से प्रभावित होते हैं। मन क्या होता है? हमारी भावनाएं होती है जो हमारे लिए ही सोचती है, लेकिन असल में हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो नहीं सोचती है। वो परिस्थितियों के अनुसार सोचती है, टेम्प्रोरी चीज़ों के लिए सोचती है कि हमारे लिए अगर ये बड़ा घर मिल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन उससे ये नहीं सोचती कि आपने एक अंदर बीज बो दिया भावनाओं का, जो हमेशा आप कोई भी कार्य करेंगे या कोई चीज़ आपने ज़िंदगी में उपलब्धि प्राप्त करेंगे वो सही नहीं तब तक होगा जब तक कि आपने अपनी भावनाओं के कंट्रोल में होकर जो आपने अपने लिए एम निर्धारित किया है वो नहीं पा जाएंगे, तब तक आपको सुख और आनंद नहीं मिलेगा। और ऐसे ही जब भी आप एक पड़ाव पे एक चीज़ों को पा लेते हैं, एक नया पड़ाव या एक नया एम आपके सामने खड़ा होता है, तो बुद्धि का कार्य क्या होता है, ये कहानी इसी से संबंधित है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि एक मेरे चैनल के विषय में एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग है जो बताती है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ, उसको ज़रूर देखें। वो नए लोग जो जुड़ेंगे मेरे चैनल से उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जानने के लिए कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ और किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो ये देखिए एक छोटा सा क्लिपिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ, और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूबल है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में, आपको सारे लोगों को पता होगा, हर्ष अपने टाइम पे एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत बड़े राजा थे, प्री मेडिवल हिस्ट्री बोल सकते हैं। एक बहुत बड़े, उनको दानवीर कर्ण की तरह उपाधि दिया जाता था। लेकिन उनके दरबार में हमेशा एक विद्वानों का शास्त्र होता था, जो अपने अपने बुद्धि और ज्ञान का आपस में शास्त्र करते थे और कंपटीशन करते थे उस समय के हिसाब से।
और जो जीतता था उसको रिवॉर्ड देते थे। ऐसे ही एक शास्त्र में जब चल रहा था, प्रकांड विद्वान बड़े बड़े लोग उसमें भाग ले रहे थे, ऐसे में एक छोटा सा बच्चा उसमें आ गया और उसको रोकने के बावजूद भी जब वो अंदर घुस गया और राजा के सामने खड़ा होकर बोला कि मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ, तो सारे लोग वहाँ पे अचंभित हो गए। और सबसे ज़्यादा वो लोग अचंभित हो गए जो अपना दावा समझते थे, अपना हक समझते थे कि हम ही इस शास्त्र के लिए उपयुक्त हैं और ये हमारे लिए छोटप्पन होगा एक छोटे बच्चे के साथ शास्त्र करना। लेकिन उसके काफ़ी आग्रह करने के बावजूद हर्षवर्धन ने बोला कि आखिर तुम क्यों बाना चाहते हो। महाराज हर्षवर्धन जो सम्राट थे वो, तो उसने बोला कि मैं आप, चूँकि आप माना जाता है कि आप काफ़ी दानवीर हैं, आप प्रजा की बात को सुनते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने। अगर आपका कोई भी यहाँ भाग लेने वाला प्रतियोगी और ये मेरे तीन सवालों का जवाब दे देगा तो मैं मान जाऊँगा कि मैं गलत हूँ। तो हर्षवर्धन ने बोला कि चलो कोई नहीं, तीन सवाल ही तो है। तो सारे लोग को उन्होंने इशारा किया, सारे लोग तैयार हो गए। तो उसने पहला सवाल पूछा कि बुद्धि कहाँ बैठती है। सारे लोग बोले मस्तिष्क होता है, कोई बोला हृदय में होता है, लेकिन सारे लोग एक बात से संतुष्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि एक मतक्के नहीं था, सबका मत एक नहीं था, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस सब लोग सही नहीं थे। तो सम्राट हर्षवर्धन ने उस बच्चे से पूछा तुम्हारे नज़र में बुद्धि का स्थान क्या है। तो उसने बोला होठ। कितना भी ज्ञान आपके मस्तिष्क में हो, कितना भी आपके अंदर ज्ञान का भंडार भरा हो, लेकिन जब होठों से बाहर निकलकर और लोगों को प्रकाशित नहीं करता तो उसका कोई महत्व नहीं होता। और अगर उसका कोई महत्व नहीं है तो बुद्धि होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे नज़र में होठों पे रहना बुद्धि का आश्रय है। सारे लोग इस बात से अचंभित हो गए कि छोटे बच्चे ने सही जवाब दिया। उसने बोला कि दूसरा सवाल है कि बुद्धि क्या खाती है। सारे लोग बुद्धि क्या खाती है, एक अजीब सा क्वेश्चन, आप भी सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि बुद्धि तो खाती क्या है। बुद्धि कोई इंसान, जानवर या कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग, जो उसका कुछ खाना हो। उसने बोला कि आप बताइए। लोगों ने ऐसे ही सवाल का जवाब दिया जैसे कि हम सोचते हैं कि बुद्धि का क्या भोजन हो सकता है, कुछ भी नहीं। बुद्धि तो कोई जानवर या एनिमल या कोई इंसान तो है नहीं, जीव तो है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अलग अलग जवाब दिए और सारे लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। तो राजा हर्षवर्धन ने बोला कि अच्छा आप बताओ तुम्हारे नज़र में क्या जवाब है। तो उसने बोला बुद्धि समय खाती है। आप कोई भी चीज़ पे अपना ज्ञान समय के हिसाब से नहीं देंगे, समय पे नहीं देंगे, समय के रहते नहीं देंगे, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आपके पास जानकारी हो या आप जानते हो और समय निकल जाने के बाद अगर उसका जवाब देते हैं तो उसका क्या महत्व होगा। पछतावा के अलावा क्या होगा कि मैं ये कर सकता था, मुझे ये करना चाहिए था, ये करता तो अच्छा होता। तो बुद्धि क्या है, समय खाती है, मतलब समय को बचाती है। राजा हर्षवर्धन बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने बोला क्या बात है। और सारे जो दरबार में बुद्धिजीवी लोग बैठे थे वो भी अचंभित। उसके बाद उसने तीसरा सवाल किया कि बुद्धि क्या पहनती है। फिर वही जवाब आया कि बुद्धि तो कोई जानवर नहीं है, एनिमल नहीं है, सब रटा रटा है जवाब। किसी ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया और ना एक दूसरे को संतुष्ट कर पाए कि बुद्धि क्या पहनती है। राजा हर्षवर्धन ने अंत में बोला कि अब इसका जवाब भी आप ही दे दो, इसमें क्या रखा है, जब दो सवाल का जवाब आपने खुद दिया तो आप भी दे दो। तो बोला कि इसका सवाल का जवाब तो दे दूंगा, उस बच्चे ने बोला, लेकिन महाराज आपको अपने गद्दी से उतरना पड़ेगा दो मिनट के लिए। तो बोले ठीक है, अगर उतर के मेरे सीट पे बैठना होगा। तो बोले ठीक है।
उतरे और राजा हर्षवर्धन उसके आसन पे बैठ गए। वो छोटा सा बच्चा जाके राजा हर्षवर्धन के गद्दी पे बैठ गया और बोला कि बुद्धि यही पहनती है, जिसके पास बुद्धि होता है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। तो बुद्धि वो चीज़ पहनती है जो आपका बल, आपका जितनी भी शक्ति है वो नहीं प्राप्त कर सकता, उसको बुद्धि से आप प्राप्त कर सकते हो। ये बात सुनकर राजा हर्षवर्धन सही मायने में अचंभित रह गया कि बच्चा जो है बुद्धि से मेरे गद्दी पे बैठ गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ सोच भी नहीं पाया। दोस्तों ये कहानी यही बताती है कि जब भी आप परेशानियों से घिरे, आपको लगे कि असंभव चीज़ें हैं, आप कुछ कर पाने में असमर्थ पा रहे हैं अपने आप को और सारी परेशानियों से घिरे पा रहे हो, आप अपनी चेतना का इस्तेमाल कीजिए, भाव जो मन के कंट्रोल में ना हो, जो आपके भावनाओं में कंट्रोल में ना हो, क्योंकि भावनाएं ये नहीं सोचती है कि आपका सही में अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा, वो उस समय टेम्प्रोरी उपाय बताती है कि ये चीज़ पाने से आपके लिए अच्छा होगा। कोई चीज़ जैसे खूबसूरत चीज़ हो, वो भावनाएं आपके आकर्षित हो जाती है उस चीज़ों के प्रति, संपत्ति या कोई चीज हो, वो आपको उसको पाने के लिए बोलेगी ये सही चीज़ है, इसको पाना चाहिए। लेकिन इन फ्यूचर क्या वो आपके लिए सही है? ऐसा तो नहीं आपको एक नया बर्डन, एक नया मानसिक तनाव दे के जाती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।